एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो दो रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, दो रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और एक रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भूख लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों ना लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो, उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हूँ गंगा? ओ गंगा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं, बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहती हूँ। हम आधा पैसा मंदिर की पुजारी को दे देते हैं दान में। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे, भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे, अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए।
हे महादेव, आज्ञा दे, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णुदेव, तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो, अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आके खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच ऐसा सपना देखा तुमने? मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने, ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे, उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ चलो, हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दो। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारी कोई संतान भी नहीं है, शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। हाँ ठीक कहती हो, चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो, हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। हलाइए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी,
आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर।